हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी, आप देख रहे स्टार बॉडी। और ये स्कॉर्पियो है, 2014 मॉडल है और इसका मेजर सर्विसिंग करेंगे। इसका किलोमीटर हो गया है 1,10,865 हो गया है, तो देख सकते हैं इसका किलोमीटर 1,10,000 के ऊपर हो गया है। इसका मेजर सर्विसिंग करेंगे, तो सर्विसिंग करने से पहले मैं इसको टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ। चलाने में कोई इशू तो नहीं आ रहा है, तो टेस्ट ड्राइव चालू है हमारा। तो चलने में तो कुछ ऐसा लग रहा नहीं है, पिकअप वगैरह भी ओके है और सस्पेंशन का भी नॉइस नहीं है। तो गाड़ी तो मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ और इसका आप देख सकते हो, इसका स्टेयरिंग है, इसका स्टेयरिंग व्हील है, थोड़ा सा इसका टेढ़ा चल रही है, यानी राइट साइड में थोड़ा टर्न है इसका। तो अलाइनमेंट भी करेंगे इसको, और अलाइनमेंट में अगर सीधा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये स्टेयरिंग व्हील खोल करके सीधा कर देंगे। बाकी चलने में कोई भी इशू नहीं है। तो मेजर सर्विसिंग में जो जो चीज आता है उसका सब हम रिप्लेस करेंगे। इसका इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर और गियर बॉक्स ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल और जितनी भी बल्ब वगैरह है वो सब चेक करेंगे। तो करते हैं इसका सर्विसिंग। अभी रैम पे ले रहे इसको, रैम पे उठा के इसको काम करेंगे, क्योंकि गियर ऑयल डिफरेंशियल ऑयल छोड़ने को इजी आएगा। ऑयल फिल्टर खोल रही है इसका, थोड़ा तकलीफ देता है खुलने में पर खुल जाता है। ऑयल फिल्टर खुल गया, अभी नया डाल देंगे इसको। ये ऑयल फिल्टर, ये भी रिप्लेस करना पड़ता तो हम डाल रहे हैं। ये डीजल फिल्टर है इसका, तो ये भी रिप्लेस करेंगे हम। फिल्टर खराब हो चुका है, ये पूरा काला हो गया है, करते हैं इसको रिप्लेस। तो आप देख सकते हैं इसका एयर फिल्टर पूरा चौक हो चुका है, तो ये क्लीन तो नहीं करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे हम। तो ये भी देख सकते हैं एयर फिल्टर का, ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा मुझे, करते हैं इसको क्लीन। ये न्यू ईयर फिल्टर है, ये फिटिंग कर रहे हैं हम। लगा दो भाई, अच्छा से बैठाओ। बैठ गया।
राइट करो। बस तो इसमें इंजन ऑयल डाल रहे हैं मोबिल का 15W40। इसका इंजन ऑयल बैठेगा 5-6 लीटर 500 ml यानी 6.5 लीटर बैठेगा। ये फ्रंट ब्रेक डिस्क से और ये देख सकते हो कट गया है, पूरा धारी बन गया इसमें, तो ये मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। और इसका हब ग्रीस भी कर डालेंगे, इसको खोलने के लिए पूरा खोलना पड़ता है, तो इसका बैरिंग वगैरह भी ग्रीस हो जाएगा क्लीन करके। और पीछे का भी खोल रहे हैं, उधर का भी लाइनर देख लेंगे, पीछे का भी अगर गया रहेगा तो वो भी रिप्लेस करेंगे। ये बहुत रस्टेड हो गया था तो इसके लिए ये बोल्ट लगाना पड़ा मुझे। अरे ये क्या है, ये स्प्रिंग है, लाइनर का स्प्रिंग रहता है यहाँ पे, तो ये स्प्रिंग टूट गया है। एक बारीक आवाज तो आ रहा था सर, वो इसी का रहेगा। ये स्प्रिंग जब इसमें घसेगा तो आवाज करेगा, तो ये भी रिप्लेस करना पड़ेगा। और इसका लाइनर देख सकते हैं, लाइनर पूरा घस चुका है। पीछे साइड का तो थोड़ा है, ये आगे साइड का पूरा पतला हो गया है, तो मुझे लाइनर भी डालना पड़ेगा। और ये स्प्रिंग और डिस्क तो अच्छा दिख रहा है, अपना ड्रम, तो ड्रम डालने की ज़रूरत नहीं है, कट वगैरह नहीं है कुछ इसमें, तो लाइनर डाल देंगे। और पीछे का ब्रेक लाइनर का स्प्रिंग, ये दो चीज रिप्लेस करना पड़ेगा। देख सकते हैं इसका हब निकाल दिया मैंने, पता नहीं कब इसका ग्रीसिंग हुआ था, कि ग्रीस बहुत बेकार कंडीशन में है। और ये एबीएस सेंसर है, तो इसमें देख सकते हैं कितना सारा डस्ट, ये छोटे छोटे लोखंड बर डस्ट पार्टिकल सब चिपक गया है, देख रहे हो, ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा। इसकी वजह से एबीएस सेंसर बराबर काम नहीं करेगा, बराबर परफॉर्मेंस देगा नहीं, तो लाइट भी आ सकता है एबीएस का। करते हैं इसको क्लीन।
ब्रेक पैड डालने तो जरूरत नहीं है, ब्रेक पैड चल जाएगा अगले सर्विसिंग तक, 15,000 किलोमीटर तक तो चलेगा ये। तो ब्रेक पैड हम यही रख रहे हैं और ब्रेक डिस्क डाल दिया हमने क्योंकि बहुत कट आ गया था इसमें, तो ये रिप्लेस कर दिया और ब्रेक पैड जूना ही रहेगा। हमारा फ्रंट का काम हो चुका है, हाफ ग्रीसिंग और डिस्क चेंज हो गया है इसका, टायर लगाते हैं और रियर का ब्रेक लाइनर डालते हैं। रियर लाइनर भी हमने चेंज कर दिए क्योंकि पूरा खराब हो गया था, पूरा घस गया था, ये भी रिप्लेस कर दिया हमने दोनों साइड का। तो रियर का काम हो गया है, अब इसका इंजन फाउंडेशन और गियर फाउंडेशन डालना है, वो भी डाल के लेते हैं। ये इंजन फाउंडेशन और ये न्यू फाउंडेशन करो फिटिंग। ये गाड़ी 4x4 है तो इसका रियर डिफरेंशियल और फ्रंट डिफरेंशियल दो डिफरेंशियल आता है, तो दोनों का हम ऑयल रिप्लेस करेंगे और इसमें से देख सकते हैं पानी निकल रहा है, ये कभी चेंज नहीं हो गया है और इसमें पानी भरा हुआ है और ऑयल भी बहुत खराब हुआ है। ये रियर डिफरेंशियल है, इसका भी ऑयल छोड़ रहे हम। ये 4x4 गियर बॉक्स है तो ये पट्टी खोलना पड़ता, उसके बाद में इधर ऑयल छोड़ने का बोल्ट दिया ये, तो अभी हम ये भी खोलेंगे और एक इधर दिया है, इसको 4x4 में अलग अलग ऑयल आता, दोनों का ऑयल छोड़ेंगे। डिफरेंशियल का तो हो गया है, फ्रंट रियर का दोनों छोड़ दिए, अभी गियर बॉक्स का ऑयल छोड़ रहे हम। तो इसको प्रॉपर आप स्पैनर से खोलें, छन्नी हथौड़ी ना मारे क्योंकि उसका सरफेस खराब होता है और उसके बाद में ऑयल लीकेज का चांसेस रहता है। रेड कलर है ना ये, ये ऑयल डालने का बोल्ट है 4x4 का। अभी ये छोड़ो भाई गियर बॉक्स का, तो ये दोनों में अलग अलग ऑयल आता है। ऑयल का कंडीशन तो खराब हो चुका है पूरा, ये रियर डिफरेंशियल का भी ऑयल छोड़ दिया हमने और ये 4x4 गियर बॉक्स का भी ऑयल छोड़े और ये गियर बॉक्स इसका भी छोड़े हमने और ये फ्रंट डिफरेंशियल तो इसका भी ऑयल छोड़ दिए। अभी हम चारों का ऑयल डालेंगे। तो ये गियर ऑयल है 80W90, ये डाल रहे हैं हम इसमें, डालो। ऊपर ले ले, हेलो। इसमें ऑयल 1 लीटर 500 ml बैठेगा।
ये टाइट हो गया ना भाई अच्छा से, इसको स्प्रे मारो और कपड़े से साफ करो। तो इसमें भी हमने ऑयल डाल दिया, इसमें भी 1 लीटर 500 ml के आसपास बैठा। अभी हम गियर बॉक्स में ऑयल डाल रहे हैं। डालो भाई ऑयल डालो। गियर बॉक्स में करीब 2 लीटर के आसपास बैठेगा। तो 4x4 में मैं ये ऑयल डालने जा रहा हूँ, TVS का है ये, पावर स्टीयरिंग फ्लूड ऑयल है। तो ये भी ऑयल चल जाएगा ट्रांसमिशन में 4x4 में। तो ये 2 लीटर ऑयल डाल रहे हैं हम इसमें। इसमें रेड कूलेंट पड़ता है, गिरा मत भाई। 2 लीटर डाल दो। दूसरा ले। डाल दो पूरा। ये ब्रेक फ्लूड लेवल तक डालो, नेक्स तक। तो इसमें .4 डालना है। ये बना लिए इसका। और ये पावर स्टीयरिंग फ्लूइड है, गिरा मत। थोड़ा और, बस बस बस, लगा दो ढक्कन। हो गया टोटल। अब इसमें लिक्विड डालो वाइपर वाइसर में। करेला दूसरा डाला ये गाड़ी का। हाँ, प्रेशर में नहीं आ रहा पेट्रोल, आया करके डालो। कितना है? है ना बराबर 6.5 लीटर डाले ना। हाँ ठीक है, लगा दो वाइपर। चलो वाइपर खराब है, वाइपर रिपेयर। इसका AC फिल्टर भी क्लीन कर दिया हमने, फिटिंग करो। पानी मारो पानी, उसका थोड़ा सेटिंग नीचे लो और वाइपर ब्लेड नया डाल दो। वाइपर क्लीन नहीं हो रहा है बराबर। लाइट अपर डिपर, ठीक है ये साइड, ठीक है। इधर का फॉकलेन भी ओके। पीछे का रिवर्स पार्किंग ब्रेक, ठीक है ये भी चालू है। तो लाइट वगैरह कोई इश्यू नहीं है और फाइनल हमारा सर्विसिंग हो चुका है। अभी इसको छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेंगे और एलिमेंट और वॉशिंग बाकी है। हॉर्न भी ओके, तो एलिमेंट वॉशिंग को गाड़ी भेजते हैं। तो अभी एलिमेंट चालू है हमारा। इसका एलिमेंट का देख सकते हैं, 2 आउट है। कैम्बर और कस्टर तो इतना आउट नहीं है, कोई ज़्यादा आउट है इसका। तो एलिमेंट होने के बाद देखते हैं क्या रीडिंग आता है इसका।
तो फाइनल हमारा एलिमेंट भी हो गया। कैमर तो इसका सेटिंग नहीं आता, टॉय का सेटिंग है, तो टॉय का रेटिंग आ गया बराबर। फाइनल इसका एलिमेंट हो चुका है, अभी वॉशिंग करेंगे हम इसका।